अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पकोड़े। ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। और आज मैं पकोड़े बना रही हूँ स्वीट रेड चिली, यानी लॉन्ग जो लाल मिर्ची होती हैं लंबी वाली उनके, और ये बिल्कुल मीठी होती हैं। बस हमने इनके सीड्स रिमूव कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 अदद मिर्चें ली हैं ऐसी लॉन्ग, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको ऐसे कट करेंगे। पहले हम इसके ऊपर वाला पार्ट को रिमूव कर देंगे, बाद हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे इस तरीके से। सीड्स हम रिमूव कर देंगे। अगर हम इस तरीके से लंबी वाली काटेंगे तो पकोड़े हमारे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले तो हमारी आंखें ही खाती हैं, फिर उसके बाद हमारी टम्मी की बारी आती है। तो इस तरीके से आपको जैसी शेप पसंद हो आप उस तरीके से कट कर लें। ये देखें, मैंने इस तरीके से लॉन्ग लॉन्ग इनको कट कर लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, फ्रेश है ये। अगर आपके पास डिब्बे वाली है तो आप वो यूज़ कर लें। एक मुट्ठी भरकर हम पालक की ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड करना है ग्रीन अनियन, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून भरकर क्रश रेड चिली ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम तमाम स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे आपस में। अब हम 1/2 लेमन निचोड़ेंगे, वो ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से लेमन को। एक कप हम बेसन लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इस मसाले को हम घोल लेंगे। बेसन पकौड़ों का हमारा रेडी है बैटर। दूसरी साइड पे हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इस तरीके से इसमें पकौड़े ऐड करते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे कलरफुल पकौड़े रेडी हो रहे हैं। एक साइड हमारी पक जाएगी तो हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड पे। ये देखें माशाल्लाह हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकालते हैं इसे छलनी में, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए।
ये देखिए माशाल्लाह हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। हम इसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आपको जो भी चटनी पसंद हो आप उसे इसे डिश आउट करें। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टेम्पटी बनकर रेडी हुए थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।